हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू गार्डनिंग विथ नॉलेज हब 2020। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ हैंगिंग बास्केट्स प्लांट्स के ऊपर। ऐसे प्लांट्स जिसके ब्रांचेस या तो ट्रेल करता हो बास्केट्स के बाहर, या जिसकी पत्तियाँ जो है वो बास्केट्स के बाहर फॉल करती हो, ऐसे कोई सा भी प्लांट्स हैंगिंग बास्केट्स में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। दूसरा कि फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट्स के ज़रिए आप एक वर्टिकल प्लांट्स का अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो गार्डन स्पेस है वो आपका सेव होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि जिनके पास स्पेस कम है वो वर्टिकल यानी हैंगिंग बास्केट्स को यूज़ करके अपने प्लांट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि हम हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको हर प्लांट्स के जो केयर है उसके बारे में बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और बताना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहला जो प्लांट है वो है, ये देखिए, बेहद खूबसूरत सा दिखता है और जो इसकी पत्तियां है एकदम बटरफ्लाई जैसा है, और इसके जो फूल आप देख सकते हैं एकदम पिंकिश फ्लावर है, छोटे छोटे गुच्छों में खिलता है, और इसका नाम है ऑक्सेलिस ट्रायंगुलरिस। इसे पर्पल शैमरॉक भी कहा जाता है। फ्रेंड, ये एक शेड लविंग प्लांट है, आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं। इसकी जो पत्तियां है आप देख सकते हैं कैसे वेरीगेटेड है, डार्क पर्पल एंड लाइट पर्पल शेड में है, बहुत ही सुंदर। और इसको लगाना भी बहुत आसान है और काफ़ी जल्दी ये फैलता भी है। फ्रेंड्स, मेरे पास दूसरा जो ये हैंगिंग बास्केट प्लांट है, ये देखिए, ये है एस्पैरागस फर्न। ये जो फर्न है ये थ्रू आउट द सीज़न एवरग्रीन रहता है, और ये एस्पैरागस वो वेजिटेबल वाला एस्पैरागस नहीं है, और ये एक एस्पैरागस फर्न है और इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। फ्रेंड, ये पत्ती को देखें, ये भी एक वेरीगेटेड लीव्स है, देख सकते हैं लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड वाइट के शेड। और इसकी छोटी छोटी आप देख सकते हैं इसके जो फूल है वो भी बेहद सुंदर है, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स इसमें आते हैं। ये एक ग्रास है, ये इसका नाम है एस्टेक ग्रास, और ऐसे अचानक से देखने से ये स्पाइडर प्लांट जैसे ही दिखता है, और इसे आप ग्राउंड कवरेज में भी यूज़ कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि इसकी जो पतली पतली लीव्स है ये बास्केट के बाहर फॉल करती है। फ्रेंड, ये प्लांट भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। फ्रेंड, ये है टर्टल वाइन, और इसे बॉलीवियन ज्यू भी कहा जाता है, इसको कई वीडियोस में मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये भी बेहद सुंदर दिखते हैं। इसके जो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, इसके भी कई वैरायटीज आते हैं, एक पर्पलिश और एक ये ग्रीन में, तो दोनों ही बहुत अच्छे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक शेड लविंग प्लांट है। मेरे पास अगला जो ये हैंगिंग बास्केट प्लांट है, ये देखिए, ये सिंगोनियम का प्लांट। ये सिंगोनियम का एक अलग वैरायटी है, एक आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन, और बीच में जो ये वाइट एक लाइनिंग, इससे ये पत्ती की खूबसूरत बहुत बढ़ जाती है, और इसके जो पत्तियां हैं बहुत बड़ी नहीं होते, छोटे छोटे ही होता है। फ्रेंड, ये अगला जो प्लांट है ये बहुत ही एक कॉमन प्लांट है, ये है मनी प्लांट। मेरे पास इसके और भी तीन वैरायटीज़ है, लेकिन हैंगिंग बास्केट में मैं इसी एक को ही लगाई हूँ फिलहाल, और आगे और को भी लगाऊंगी। फ्रेंड्स, मनी प्लांट्स बहुत अच्छे दिखते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रेलिंग होता है, इसके जो ब्रांचेस का जब ट्रेल करता है बास्केट्स के बाहर, तो बेहद खूबसूरत दिखता है। फ्रेंड्स, ये फिर से एक मेरे पास दूसरा गमले में
टर्टल वाइन है, और ये देखिए ये जो प्लांट है, ये हमारा जो ये पेड़ है इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। इसके बगल में ये है टैंगल हाथ, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पिलोज भी कहा जाता है, ये एक सकुलेंट है, और फ्रेंड्स ये भी बेहद खूबसूरत है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। फ्रेंड ये जो प्लांट है ये है बोट लिली, ये ट्राडेस्केंटिया स्पैथसिया भी कहा जाता है इसे, और इसे रोइयो ट्राइकलर भी कहा जाता है। ये है फ्रेंड वांडरिंग ज्यू, और वांडरिंग ज्यू को रोइयो प्लांट भी कहा जाता है और ट्राडेस्केंटिया ज़ेब्रिना भी कहा जाता है। तो वांडरिंग ज्यू मेरे पास कई सारे प्लांट्स है, हैंगिंग बास्केट्स में भी है, और आपको मैं एक वीडियो में दिखाई थी कि ये जो बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं इसको, इसके नीचे भी टायर में हमने वांडरिंग ज्यू को लगाया हुआ है, तो ये ऊपर भी आप चाहे तो इसको चढ़ा सकते हैं या फिर हैंगिंग बास्केट से इसको ट्रेल भी करा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है इम्पेशियंस का ये प्लांट, इम्पेशियंस का प्लांट्स को भी हम हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। इम्पेशियंस में कई कलर्स आते हैं, सारा ही एक से बढ़कर एक कलर सा होते हैं, और जैसे आप ऐसे छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं और खाली हैंगिंग बास्केट्स में इसको रख सकते हैं, आप चेंज कर करके एक हैंगिंग बास्केट्स में इसको रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर मैं कुछ दिन पहले ही आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी। फ्रेंड ये है पोल्का डॉट, या फिर इसे एंजल विंग बेगोनिया भी कहा जाता है, और ये एक अनकॉमन बेगोनिया का वैरायटी है। फ्रेंड्स इसके जो ये एसिमेट्रिक लीव्स है इसके, और इसके बीच में जो ये स्पॉट्स है वाइट वाइट स्पॉट्स, इसके कारण ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छा दिखता है। फ्रेंड ये अगला प्लांट है सिंगोनियम, ये कॉमन सिंगोनियम वैरायटी है, और इसे हम एरोहेड सिंगोनियम भी कहते हैं, और इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में ये बेहद खूबसूरत दिखता है। फ्रेंड हाल ही में ये कोलियस का वैरायटी मैं लगाई हूँ, ये पर्टिकुलर कोलियस जो है इसमें छोटे छोटे पत्तियाँ होती है, तो इसलिए ये हैंगिंग बास्केट में बेहद खूबसूरत दिखता है जब ये पूरा घना एकदम बास्केट को भर देता है, तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। फ्रेंड ये जो खूबसूरत सा प्लांट है ये है सेडम एंजेलिना, इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, ये भी बेहद खूबसूरत दिखता है हैंगिंग बास्केट में, कि ये देखिए एकदम बास्केट्स को देख आप जब ये भर जाता है तो बास्केट छुप जाता है इसके पत्तियों से। ये एक सकुलेंट प्लांट है और इसको ओवर वाटरिंग से आपको बचाना है। फ्रेंड ये जो छोटी छोटी पत्ती वाली प्लांट है ये है लुडविगिया, ये एज अ हेज भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैं एक छोटा सा गमले में इसको लगाई हूँ, और कई बार मन करता तो इसको हैंग भी कर देती हूँ। फ्रेंड ये प्लांट आप देखिए बेहद खूबसूरत सा प्लांट है, ये है टेरिस क्रेटिका फर्न, आप देख सकते हैं ये भी डार्क ग्रीन के बीच में, आप देख सकते हैं कैसे डिज़ाइनर एक आपके एरोज बने हुए हैं, एकदम लग रहा पेंटिंग करा हुआ है। ये भी एक फर्न है, ये भी बेहद खूबसूरत दिखता है हैंगिंग बास्केट में, और ये भी बहुत आसानी से आपका लग जाता है और इजी टू मेंटेन भी है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह फ्रेंड्स चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।